हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवानी मिश्रा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। देख लीजिए, मैंने ब्लाउज़ को कट कर दिया है। चलिए मैं आपको इसका पूरा साइज़ दिखाती हूँ। मैंने ब्लाउज़ की लेंथ देख लीजिए 14 रखा है। अब 3 इंच की चौड़ाई देते हैं, हम गले की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से 3 इंच में देखिए मैं मार्क कर देती हूँ और नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पे हम मार्क कर देंगे। तो मैंने दोनों साइड से मार्क कर दिया। अब गले का लेंथ लेंगे तो मैं गला देखिए 10.5 इंच रख रही हूँ। यहाँ से मार्क कर देते हैं। अब मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन करके बराबर कर देती हूँ। अब जितना मैंने मार्किंग की सबको मैंने देखिए बराबर कर दिया है। अब गले का डिज़ाइन का मार्क करेंगे। तो मैंने मार्किंग देखिए कर लिया है। अब यहीं से हम कट कर देते हैं। तो देखिए मैंने पूरा गला कट कर दिया है। अब मैं इसी तरीके से ब्लाउज का कपड़ा ली हूँ, इसको भी सेम ऐसे ही कट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने ब्लाउज के कपड़े को भी कट कर दिया। अब इसको हम स्टिच करेंगे, डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए मैंने ये कपड़ा लिया, इसकी मैं थोड़ी सी चौड़ी वाली पट्टी बना देती हूँ। तो ये पट्टी देखिए थोड़ा सा चौड़ा बनाइएगा, पतला पट्टी मत बनाइएगा। तो मैंने देखिए पट्टी की स्टिचिंग कर दी है। अब इसको मैं कट कर देती हूँ। तो अच्छे तरीके से पूरा कट करके निकाल दीजिएगा। अब इसको मैं उलट कर सीधा कर लेती हूँ। अच्छे तरीके से पट्टी को सीधा कर दीजिएगा। ये देख लीजिए मैंने इसको सीधा कर दिया है। अब दोनों साइड से हम इसको अच्छे तरीके से स्टिच करेंगे। तो देखिए मैं कैसे इसे स्टिच कर रही हूँ, ऐसे आप भी कर दीजिएगा। पहले एक साइड से मैं पूरा स्टिच कर देती हूँ इसको। तो मैंने देखिए एक साइड से स्टिच कर दिया। इसी तरीके से दूसरे साइड से भी करेंगे। इससे देखिए ये प्लेन में बिल्कुल पट्टी आ चुकी है। तो मैंने दोनों साइड से कम्प्लीटली स्टिच कर दिया है। अब मैं 1.5 इंच की लंबाई पे पूरा पट्टी को कट कर दूंगी। तो देखिए 1.5 इंच की लंबाई पे जितने पार्ट्स आए उतने पार्ट्स में आप कट कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने पूरा पार्ट्स इसके फोल्ड कर दिए, पूरा अच्छे तरीके से हम कट कर देंगे। तो ये देख लीजिए मैंने दोनों साइड से कम्प्लीटली, देखिए थोड़ा सा बाकी है। तो मैंने देखिए पूरा पट्टियों को कट कर दिया है छोटे छोटे पार्ट्स में और इनकी लंबाई मैंने 1.5 इंच रखी है। ये मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है। अब इसके गले पे हम पूरा जो है पट्टियों को भी कट किए हैं, उसको मैं डबल फोल्ड करते हुए पूरा स्टिच करूँगी और बीच में थोड़ा गैपिंग देते जाइए। जितनी चौड़ी पट्टियाँ हो उतना गैपिंग आप बीच में करते रहिएगा। तो वीडियो में आप देखते रहिए, आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। तो मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ इसको डबल फोल्ड करके आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ऐसे आप भी स्टिच कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए कॉर्नर है, यहाँ पे दोनों साइड से हम स्टिच करेंगे। तो थोड़ा सा बीच का कॉर्नर छोड़ के स्टिच कीजिएगा। तो ये देख लीजिए जैसे मैंने स्टिच किया है सेम आप भी पूरा गले पे स्टिच कर दीजिएगा डिज़ाइन को। तो मैंने कम्प्लीटली देखिए पूरा डिज़ाइन स्टिच कर दिया है। अब इसके ऊपर हम ब्लाउज़ का कपड़ा लेंगे, बिल्कुल बराबर में फैला लीजिएगा कपड़े को, गले के साथ में बिल्कुल बराबर कर दीजिएगा कपड़े को। देखिए मैंने दोनों को बिल्कुल बराबर कर दिया है। अब इसको हम स्टिच करेंगे। तो अच्छे तरीके से बनाते हुए फिर हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो जिस जगह से मैंने सिलाई लगा के डिज़ाइन को स्टिच किया सेम उसी जगह से सिलाई लगा के हम ब्लाउज़ के कपड़े को भी ज्वाइंट कर देंगे इसके साथ में। तो
ये देख लीजिए मैंने कम्प्लीटली गले को स्टिच कर दिया है। अब इस पर हम कट्स लगा लेते हैं। पूरा अच्छे से कट्स लगा दीजिएगा। इसे जब इसे उलट कर सीधा करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर में आएगा, जैसे मैंने गले की कटिंग की है डिज़ाइन के लिए। अब मैंने देखिए इसको पूरा उलट कर सीधा कर दिया है। अब हम गले पे एक सिलाई लगा के पूरा गला स्टिच कर देते हैं। तो अच्छे तरीके से पूरे गले पे सिलाई लगा लीजिएगा, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देख लीजिए, ये देखिए मैंने पूरा गला अच्छे तरीके से स्टिच कर दिया। अब इसकी ब्लाउज की हम ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। तो अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए पूरे ब्लाउज की हम स्टिचिंग कर लेते हैं। अगर आपको मेरी डिज़ाइन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो ये देख लीजिए मैंने पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दी है। अब मुझे बीच में डिज़ाइन बना के इसके डालना है, तो मैं चलिए बीच का डिज़ाइन आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये बकरम लिया है, इसको डबल फोल्ड कर लीजिएगा बकरम को। फिर इसके बाद आप इसकी लंबाई देखिए, मुझे 4 इंच इसका टोटल बनाना है, तो मैं 5 इंच लंबाई ले रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। और 2 इंच इसका जो है टोटल बनाना है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा, 3 इंच पूरा लीजिएगा। देख लीजिए चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है, लंबाई मैंने 5 इंच रखी है। और थोड़ा सा देखिए मैंने माइनस करते हुए 1.5 इंच के इस पर कटिंग कर दी है गोलाई में। अब मैंने ये कपड़ा लिया, इसको ज्वाइंट कर लेंगे इसके साथ में अच्छे से। तो चलिए मैं आपको स्टिच करके इसको दिखा देती हूँ। तो अच्छे तरीके से पूरा डिज़ाइन पे जो है स्टिच कर लीजिएगा बकरम को। ये देख लीजिए मैंने बकरम को कम्प्लीटली स्टिच कर दिया है। अब मैं इस पर डिज़ाइन बनाऊंगी, तो उसके लिए देखिए मैंने ये डोरी बनाई है पतली वाली, थोड़ी सी गोल में डोरी बना लीजिएगा। और 1.5 इंच की लंबाई पे इसको भी हम कट कर देते हैं पूरा। छोटे छोटे हमें कज बनाना है इसका, तो देख लीजिए 1.5 इंच की लंबाई पे आप पूरा कट कर लीजिएगा। और जितने पार्ट्स आ सके इस तरीके से फोल्ड करके उन सारे पार्ट्सों को फिर कट करेंगे। ये देख लीजिए मैंने पूरा फोल्ड कर दिया। अब एक साइड से पहले हम कट कर लेते हैं, दूसरे साइड से भी अलग कर देंगे सारे पार्ट्स को। ये देखिए मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में इसको कट कर दिया है। अब चलिए मैं आपको इसका डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ। तो बिल्कुल गोल करते हुए देख लीजिए कैसे मैं कज बना रही हूँ, और इस तरीके से स्टिच कर लीजिएगा। दोनों साइड से साइज करते हुए 4 इंच पे मार्क कर दीजिएगा, 1-1 इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा रखिएगा, उतना छोड़ दीजिएगा कि उतना हमें सिलाई में ले जाना है। तो मैं 4 इंच के जो है मार्जिन में इसको स्टिच कर रही हूँ। ये देख लीजिए मैं कैसे कज आप बना रही हूँ इसमें, ऐसे सेम आपको भी बनाना है कज, गोल करते हुए बिल्कुल अच्छे तरीके से फिर स्टिच कर दीजिएगा। और छोटे छोटे कज बनाइएगा, ज़्यादा बड़े मत रखिएगा, और सब एक्स्ट्रा जो बचे उसे सिलाई में डाल दीजिएगा। अब मैंने ये देखिए अस्तर लिया है, जिस जगह से मैंने सिलाई लगा के कज को स्टिच किया है, सेम उसी जगह से सिलाई लगा के हम अस्तर को भी स्टिच कर देते हैं। ये देखिए मैंने अस्तर स्टिच कर दिया, एक्स्ट्रा जो रहे उसे निकाल दीजिएगा, फिर पूरा कट्स लगा दीजिएगा इसके ऊपर से। तो देखिए मैंने कट्स लगा दिया, अब इसको हम उलट लेंगे अच्छे तरीके से। तो पूरा देखिए मैंने इसको अच्छे से उलट दिया, अब इसके ऊपर से एक सिलाई लगा देते हैं। हम पूरा जो इसका स्टिचिंग कर लेंगे चारों ओर से। देखिए मैंने इसकी ऑल राउंड स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दी है। अब इसको मैं ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट कर देती हूँ। तो देखिए मैं 4 इंच के जो मार्जिन में इसको स्टिच कर रही हूँ, 1-1 इंच जो हम सिलाई में इसको ले जा रहे हैं। और लंबाई इसकी मैंने 4 इंच रखी है, चौड़ाई जो है वो भी 4 इंच है। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से पूरा इसको स्टिच कर दिया है कम्प्लीटली। अब हमें इसके साइड में पूरा लेस लगा लीजिएगा गले के। तो बिल्कुल देखिए कॉर्नर से मैं लेस स्टिच कर रही हूँ, ऐसे आप भी कीजिएगा। यहाँ से बिल्कुल फोल्ड करके वी शेप में लेस को कर दीजिएगा, जहाँ से कॉर्नर है बीच में।
अब दूसरे साइड से भी हम लेस को स्टिच कर देते हैं। ये देख लीजिए मैंने पूरा लेस स्टिच कर दिया है। अब एक पार्ट से में हम और लेस स्टिच करेंगे, तो थोड़ा सा देखिए मैं बीच में गैपिंग देके फिर लेस स्टिच कर रही हूँ, ऐसे आप भी कीजिएगा। तो ये देखिए एक साइड से लेस स्टिच हो चुका है, दूसरे साइड से भी कर दीजिएगा ऐसे ही। तो मैंने देखिए दो पार्ट्स में लेस को स्टिच कर दिया है, मुझे बीच का डेकोरेशन करना है। तो यहाँ पे हम बड़ी वाली देखिए गोल्डन कलर की मोती लगाएंगे। तो मैं कैसे मोती लगाऊंगी आप वीडियो में बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रही हूँ लगा के। ऐसे आप भी जो है डिज़ाइन पर लगा दीजिएगा मोती को। एक मोती मैंने आपको लगा के दिखाया, इसी तरीके से जो बच्चे हुए उन पे भी मोती लगाएंगे। तो मैं आपको कुछ लगा के मोती दिखा देती हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए। ये देख लीजिए मैंने इतने सारे मोती आपको लगा के दिखा दिया, आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे मैं मोती लगा रही हूँ। ऐसे जितने डिज़ाइन बचे हुए उनमें से लगा लीजिएगा आप। ये देखिए मैंने लास्ट मोती ये लगाई हुई है। अब यहाँ से नीचे के साइड में धागा जो है लॉक कर दीजिएगा। तो कैसे लॉक किया जाएगा मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से हम अच्छे तरीके से बांध लेंगे धागे को। देख लीजिए मैंने अच्छे तरीके से पूरा डिज़ाइन पे मोतियों को लगा दिया है। अब मैं जो ये कज मैंने बनाया हुआ है इनमें मुझे डेकोरेशन करना है। तो उसके लिए देखिए मैंने ये थोड़ा सा क्रॉस कटिंग किया कपड़ा, ये स्ट्रेचेबल है थोड़ा सा। तो क्रॉस कटिंग करते हुए कपड़ा और ले लीजिएगा, फिर डोरी ले लीजिएगा। अब दोनों डोरियों पर हम फ्लावर्स बनाएंगे। कैसे फ्लावर्स बनाया जाएगा वीडियो में आप देख लीजिए। तो इस तरीके जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसे आप भी कपड़ों का फ्लावर्स बना के स्टिच कर दीजिएगा डोरी पे। एक फ्लावर देखिए मैंने बना दिया, इसको सीधा करके मैंने आपको दिखा दिया। इसी तरीके से हम दूसरे डोरी पे बना देते हैं। तो मैंने देखिए दोनों डोरी पे बना दिया है। अब मैं ब्लाउज ले लेती हूँ और उनके कच के बीच में से हम इनको डालकर निकाल देते हैं। तो मैं कैसे डोरियों के कच के बीच में डाल रही हूँ आप वीडियो में देख लीजिए। बिल्कुल बीच से कच के इसके हम डालते हुए इसको डोरियों को निकालेंगे। तो देखिए एक साइड से देखिए मैंने डाल दिया डोरी, इसी तरीके से दूसरे साइड से भी कर देंगे। तो मैंने दोनों साइड से कम्प्लीटली डोरियों को अच्छे तरीके से डाल दिया है। अब मैं नीचे के साइड से आपको बांध के डोरियों को दिखाती हूँ कैसे आपको बांधना है कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्लावर्स की तरह दिखे। देख लीजिए मैं कैसे बांध रही हूँ, ऐसे आप भी बांधिएगा। ये देख लीजिए ये फ्लावर्स डिज़ाइन मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से बांध दिया है डोरी को। अब बीच में हम इसके जो है डिज़ाइनर बटन लगाएंगे, तो आप भी इसी तरीके से लगा दीजिएगा बटन को। ये देखिए मैंने बटन लिया। अब इसके बीच में हम बिल्कुल डोरियों को बीच में जो दिख रहा है पार्ट्स वहीं पे हम इसको स्टिच कर देंगे बटन को। ये देख लीजिए मैंने बटन लगा दिया, मेरी डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है।
अगर आपको डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि मैं बहुत ही हार्ड वर्क करके आपके लिए डिज़ाइन बनाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। और मेरी कोई डिज़ाइनर ड्रेस या ब्लाउज अगर आप परचेज करना चाहते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, और मैं ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।